प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत की बढ़ती ताकत को और मजबूत तरीके से रखने के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं। अमेरिका में भारतीय राजदूत चरणजीत सिंह संधू ने कहा कि पीएम मोदी का अमेरिका दौरा कई मायनों में अहम है। इस दौरे में पीएम मोदी कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। आज टॉप नाइन में पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की हर तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन सबसे खास उस तस्वीर की बात करते हैं जब अमेरिका के एंड्रयू एयरबेस पर मोदी मोदी के नारे लगाए गए। ये पल 130 करोड़ भारतीयों के लिए गौरव का पल था। इस ऐतिहासिक तस्वीर और पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी हर खबर के लिए देखते हैं टॉप नाइन द नरेंद्र मोदी शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समय के मुताबिक तड़के 4 बजे अमेरिका पहुंच गए। मोदी 3 दिन के दौरे पर अमेरिका गए हैं, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मिलेंगे। दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों में अफगानिस्तान समेत कई मुद्दों पर बातचीत होनी है। पीएम मोदी 26 सितंबर को स्वदेश लौटेंगे। वाशिंगटन के एंड्रयू एयरबेस पर उतरने के बाद पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर आए अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सबको दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया, जो भारतीय परंपरा का सबसे बड़ा परिचायक है। वाशिंगटन के एंड्रयू एयरबेस पर प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए भारतीय मूल लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पीएम मोदी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। गाड़ी से उतरकर फैंस के बीच गए, उनसे हाथ मिलाया और उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। पीएम मोदी अमेरिका में आज सबसे पहले वाशिंगटन डीसी जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे। अमेरिका के शीर्ष व्यापारियों के साथ बैक टू बैक बैठकों के बाद आज ही पीएम मोदी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे। अपने अमेरिकी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 24 सितंबर को राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा 23 सितंबर को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे और 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में भाग लेंगे। अमेरिका रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने बयान जारी कर कहा कि ये दौरा अमेरिका से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत करने का मौका होगा। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि मैं अमेरिका के महामहिम राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर 22 से 25 सितंबर 2021 तक यूएसए का दौरा करूंगा। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि इस दौरान मैं राष्ट्रपति बाइडेन के साथ वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और आपसी हितों के क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर विचार साझा करूंगा। मैं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने के लिए भी उत्सुक हूं। हैरिस के साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सहयोग के अवसरों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने अमेरिकी दौरे के दौरान कल क्वाड की बैठक में भी शामिल होंगे, जहां राष्ट्रपति बाइडेन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा के साथ क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बैठक को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए हमारे साझा दृष्टिकोण के आधार पर भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों पर भी बातचीत होगी। प्रधानमंत्री के साथ विशेष विमान एयर इंडिया वन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला समेत एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका गया है। इस प्रतिनिधिमंडल में सरकार के उच्च अधिकारी भी शामिल हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।